फॉर्म लीजिए। माता दी राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होंगी। तो मैं आ गई थी मंदिर में, तो मेरे लड्डू गोपाल को स्नान ध्यान करवाने जा रहे थे, तो यहाँ मैं रेडी हो गई थी क्योंकि आज ये संडे का ब्लॉग है, तो संडे को थोड़ा टाइम रहता है कि कुछ भी टिप टॉप हो जाए हम लोग भी, लेकिन अदर दिन सुबह सुबह नहीं रहता है टाइम, तो थोड़ा सा मैं भी रेडी हो गई थी। और यहाँ लड्डू गोपाल को नहला दिए थे, आरती का टाइम आ गया था, तो सुबह तो सभी लोग मतलब इकट्ठा नहीं हो पाते हैं आरती के लिए क्योंकि कोई सोते रहते हैं, कोई नहाए ही नहीं रहते हैं, तो यहाँ सिर्फ हम अकेले ही आरती कर रहे थे और कोई नहीं थे, सिर्फ हम अकेले आरती कर रहे थे। और यहाँ मेरे लल्ला रेडी हो गए हैं, अभी मैं उनको कुछ खिला दूँगी, दूध और फ्रूट ये सब खिला दूँगी। और यहाँ मैं और फिर मैं आ गई थी यहाँ किचन में चाय बनाने के लिए, तो मैं चाय बनाई थी और जो भोग का पानी था मैं वही डेली पी लेती हूँ सुबह सुबह क्योंकि और टाइमिंग नहीं बचती है, तो जो भोग का रहता है वो थोड़ा सा पी लेते हैं, फिर चाहे थोड़ा लेट भी हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं रहती है, और बिना पानी पिए तो रह नहीं पाते। और फिर मेरा चाय बन गया था, तो हम सभी लोग आ गए थे चाय पीने के लिए, तो यहाँ आगे वाले कमरे में ही बैठ के चाय पिए थे सभी लोग। और यहाँ ना इस टाइम बहुत अच्छा लगता है, ऐसे मतलब लाइटिंग और ऐसे लड्डू गोपाल मेरे बैठे हैं यहाँ, मतलब बहुत सुकून मिलता है यहाँ बैठने के बाद और बहुत प्यारा लगता है जब ऐसा रहता है। और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और फिर मेरा नंबर आ गया था खाना बनाने का, तो यहाँ मैं खाना बनाने लगी थी, तो मैं जल्दी से कट करूँगी सब्ज़ी। और आज था संडे तो कोई थोड़ा लेट भी हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और यहाँ अभी मम्मी भी नहा ली थी, वो चली गई थी पूजा करने, और यहाँ मैं कट करूँगी सब्ज़ी, अभी बनाना है खाना। तो यहाँ मैं एक साइड रख दी थी दाल, एक साइड चावल, तो दोनों बना रहे थे साथ साथ में, और अभी रोटी भी बनाना है। और इस टाइम पे ना तो मतलब समझ लो लड्डू गोपाल का दिन है, तो थोड़ा बहुत टाइम लड्डू गोपाल में भी निकल जाता है। तो ये अब आने वाली है छठी लड्डू गोपाल की, तो उस दिन अच्छे से छठी हम लोग मनाएंगे लल्ला का। तो आप लोगों के यहाँ कैसे मनाया जाता है छठी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी मेरे यहाँ तो फर्स्ट बार मनाया जाएगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट जैसे मेरे घर पे बच्चों को मनाया जाता है तो मैं इसी तरीके से मनाऊँगी। और यहाँ मैं बनाने लगी थी सब्जी, तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ बनने लगा था गर्मा गर्म रोटी, आप सभी आके खा लीजिए, और थाली रेडी है आप सभी आके खा लीजिए। और मैं पहले लगाऊंगी लल्ला का भोग, फिर उसके बाद में कोई और खाएगा, तो मैं चल रही हूँ लल्ला का भोग लगाने, आप सभी आके खा लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।